YouTube पर अवधी भाषा में धूम मचाने वाले और अपनी छाप छोड़ने वाले इस वक्त एक कलाकार हैं जो बहुत छाए हुए हैं, जिनका नाम है रमेश दुबे। इनको रमेश्वा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ हैं रमेश जी, आपका लखनऊ में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं स्वागत करता हूं और आपकी टीम को बधाई देता हूं कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया है। अवधी भाषा चुनने की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि मेन कारण जो है वो ये है, वो प्रेरणा हमको इसलिए मिली क्योंकि अश्लीलता और फुहरता जो इस समय समाज में काफी है, तो मैंने उसके लिए सोचा कि अवधी से हम साफ सुथरी वीडियो, साफ सुथरी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बिल्कुल आम जनता के बीच से मुद्दे उठाए हुए हैं, ऐसे मुद्दे जो आम लोगों के घरों में होते हैं, ऐसे मुद्दे चुनने की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि बचपन में से लेकर अभी तक मैं गांव में ही रहा हूं और शहर में रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मेरा लगाव जो है गांव से है, जुड़ाव गांव से है। तो गांव में मैंने देखा है, नोक झोंक भी देखा है, प्यार देखा है, लोगों का आपसी तकरार भी देखा है, और खास करके चाचा दादा मामा मामी मौसा मौसिया, तो ये मौसी, इनके सबके बीच में जो एक दूसरे से बातचीत और उनका एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से नोक झोंक, वो सब देखते देखते मेरे मन में आया कि मैं अवधि के लिए और अवधि भाषा में ही इस करेक्टर को चुनूंगा और ये चीजें दिखाऊंगा जो एकदम यथार्थ हो, एकदम सच्चाई हो। YouTube पर आने की वजह क्या है? कैसे YouTube पर आना हुआ? आपने कैसे सोचा कि YouTube पे का चलिए बनाते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे तमाम मित्रों ने मुझसे कहा, हमारे गांव के दो तीन हमारे भाई हैं, उन सब ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना वीडियो बनाओ और डालो। तो पहला वीडियो मैंने 4 जुलाई को पब्लिश किया था और 4 जुलाई को मैंने अपलोड किया था, पब्लिश हो पाया था 6 जुलाई को। तो दुल्हन के भाई एक वीडियो जो वायरल हुआ था, काफी लोगों ने प्यार दिया उसे, और फिर मैंने अपने बिटिया के नाम से एक चैनल बनाया और जो आज फेमस है, लोग देख रहे हैं। कभी फिल्मों में जाने का कुछ सोचा या कुछ क्या वजह कुछ रही कि फिल्मों में भी चले जाएं इसके बाद? बिल्कुल, अगर रमनसी जी, अगर मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, और अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्में होंगी, अच्छी स्टोरी होगी जिसमें अश्लीलता और फुहरता नहीं होगी, तो कौन नहीं काम करना चाहता है? मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर काम करूंगा।